नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक। पैसे अब तक की बड़ी खबरें। डेढ़ महीने बाद भारी वाहनों के लिए खुला सातरागाछी ब्रिज। डेढ़ महीने बाद सातरागाछी ब्रिज सभी तरह के वाहनों के लिए खुल गया है। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने ब्रिज का दौरा किया। 19 नवंबर से काम चल रहा था, जिसे गुरुवार की रात को पूरा कर लिया गया और आज से सभी तरह के वाहनों के लिए ब्रिज को खोल दिया गया। फिलहाल ड्रोन से नजरदारी जारी रहेगी। राजारहाट से जामताड़ा गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। शांतिनिकेतन के प्रोफेसर से लाखों की बैंक धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता पुलिस ने जामताड़ा गिरोह के और 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों को राजारहाट इलाके से पकड़ा है। ये सभी झारखंड के धनबाद और गिरडी इलाके के रहने वाले हैं। यह लोग ग्राहकों को फोन करने के अलावा ठगी के रकम को ATM से निकालने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ कर उनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। बहला में सड़क दुर्घटना में युवती की मौत। बहला के SN राय रोड पर सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई। मृतका का नाम मौली अधिकारी है। शुक्रवार की सुबह वो जब एफ बाइक पर सवार होकर अपने PG से ऑफिस जा रही थी, तभी बीच रास्ते में कंक्रीट मिक्सर की टक्कर से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। स्कूल में शिक्षकों की कमी के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। 8 महीने से स्कूल में एक शिक्षक नहीं आ रहे हैं। स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग पर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। घटना मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज थाना अंतर्गत कंचन तला प्राथमिक विद्यालय की है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते कई महीनों से स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही, इसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। आइए रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। चीन में मचा हाहाकार। दवाएं 100 गुना तक महंगी, लोग इलाज नहीं करा पा रहे। एक्टर की मां तक ने दम तोड़ा। अभी के लिए बस इतना ही। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।